Hello guys, good evening. Welcome to my channel. That is Paul's Vlog 88. और आज का जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि मैं आज यहाँ कुछ व्यूज़ दिखाने चाहता हूँ. तो मैं आपको ले जाता हूँ और कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ यहाँ का. और मैं आज जहाँ पे खड़ा हूँ ये है गुंजुंग, जो दिमाहा साहब है. तो आइए मैं आज का ये वीडियो शुरू करता हूँ कुछ नज़ारे दिखा के. तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में व्यूज़ दिखाने से पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. जैसा मैंने कहा था कि आज का वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है, क्योंकि मैं आज जहाँ पे आया हूँ, ये जो प्लेस है, लोकेशन है, इसको कहते हैं गुंजुंग. इट्स इन दिमाहा साउथ डिस्ट्रिक्ट. और ये जो प्लेस है, हाफलोंग से आपका 50 किलोमीटर्स, लगभग 30 to 40 किलोमीटर्स हो सकता है. और ये जो गुंजुंग स्पॉट जो है, ये असम गवर्नमेंट आपका 2018 में यहाँ का जो ये व्यू और लोकेशन इतना सुंदर है, और यहाँ का जो ये स्पॉट है, मतलब पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है. तो गवर्नमेंट भी सोचा है कि यहाँ पे एक स्पॉट बनाया जाए. और यहाँ 2018, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, 2018 पे यहाँ पे आके पैराग्लाइडिंग का टेस्ट किया गया था, और वो टेस्ट सक्सेसफुल रहा. और देखते हैं और होप करते हैं कि फ्यूचर में यहाँ पे एक अच्छा सा पैराग्लाइडिंग का एक स्पॉट होगा, जो हमारे लोकल हिल डिस्ट्रिक्ट दिमाहा साओ गुंजुंग पे होने वाला है. तो यही है छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्लेस. गुंजुंग एक विलेज का नाम है. तो कभी आप आइए इधर, यहाँ का व्यूज़ देखिए. अभी सनसेट का वक्त है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, व्यूज़ दिखाने वाला हूँ. ये रोड्स है, यहाँ का लोकल्स, यहाँ लड़के इवनिंग वॉक कर रहे हैं. अच्छा खासा हवा, फ्रेश हवा आपको यहाँ पे मिलेगा. तो आइए चलते हैं. यही था आपको कहने का कि यहाँ का लोकेशन के बारे में आपको कुछ जानकारी दी है. थैंक यू मेरा वीडियोस देखने के लिए. और अभी चलते हैं, कुछ व्यूज़ दिखाते हैं. तो ये है वो रोड, हाफलोंग से गुंजुंग आने का रोड. यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ हैं, बाइक से, कार से, दूर दूर से लोग हाफलोंग से आके यहाँ पे आते हैं, घूमने आते हैं, हवा खाने आते हैं. रोड अच्छा है, इतना बुरा नहीं है, चलता है. व्यूज़ बहुत सुंदर है, जैसा मैंने आपको दिखाया. सनसेट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अभी. वेट, सो गाइस, दिस इज गुंजुंग. यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी भी. शायद एक दो महीने बाद ये कंप्लीट हो जाएगा. काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट बनाया है यहाँ पे. कुछ बच्चे, लड़कियाँ, लड़के यहाँ पे घूमने आ रहे हैं और वहाँ पे बैठे हुए हैं. काफ़ी अच्छा नज़ारा है. वहाँ पे दूर पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है एक रिवर. रिवर का नाम तो पता नहीं है गाइस, लेकिन बहुत ही फ्रेश और साफ नदी है, शायद लग रहा है उसे. यहाँ का ग्रीनरी बहुत ही सुंदर है. देखिए, वाव, सनसेट का वक्त है दोस्तों. इट्स ऑसम, इट्स ऑसम, रियली ऑसम. तो जैसा कि मैंने कहा था कि असम गवर्नमेंट जो है यहाँ पे 2018 को आके यहाँ पे एक टेस्ट किया गया था पैराग्लाइडिंग का. तो वो टेस्ट में सक्सेस रहा, और यहाँ पे इन फ्यूचर ज़रूर एक पैराग्लाइडिंग का स्पॉट होगा. और बहुत सारे लोग नियर बाय दिमाहा साउथ डिस्ट्रिक्ट, जैसा कि कार्बी आंगलोंग हो गया,
यहाँ पे आके मज़े ले सकते हैं पैराग्लाइडिंग्स का। तो होप करते हैं जल्द से जल्द गवर्नमेंट एक स्टेप लेंगे, कंप्लीट होगा और बहुत सारे लोग यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन। एक्चुअली ये जो प्लेस है बहुत से लोगों को पता नहीं है, एक्चुअली कहा जाए तो एक अनएक्सप्लोर्ड प्लेस भी कहा जाता है। और मेरे फेसबुक जो फ्रेंड्स है उनको पता होगा, यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटो खींचे थे और फेसबुक पे मैंने अपलोड किया था, उनको पता होगा। और मैंने वहाँ पे कैप्शन पे दिया भी था कि ये लोकेशन गुंजुंग अबाउट 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हाफलोंग टाउन, ये दिमाहासाओ डिस्ट्रिक्ट पे है। काफ़ी बढ़िया व्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग। फ्रेंड्स मैं आपको कहना चाहता हूँ ये मोबाइल पे कैमरे पे वीडियोस पे आपको इतना खूबसूरत नहीं लग सकता है, लेकिन आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पता होगा कितना खूबसूरत है ये जगह। ओके, कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ बालू वगैरह। आइए थोड़ा पास जाते हैं। आज भी मेरे फैमिलीज मेरा साथ है, मेरा फ्रेंड्स भी है, तो चलिए आइए देखते हैं। कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो रास्ता थोड़ा ख़राब है यहाँ पे। उस दिन जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था मिस जोवी, मेरा क्यूट सा बच्चा जोशिया। फिर से वो मैं नदी आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए कैसा लग रहा है जोविता, आर यू एंजॉयिंग? Want to say something about my viewers? To subscribe my channel and like. Say something. Hello guys, please like and subscribe. My brother's channel. Okay, thank you. That's all. कितना greenery है देखो friends. वापस जाने का वक्त भी हो चुका है क्योंकि हम आज थोड़े लेट हो गए आते आते, मौसम थोड़ा ख़राब था, बारिश दिया था, लेकिन अभी मौसम काफ़ी अच्छा है। देखिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पे एक अच्छा सा व्यू पॉइंट कंस्ट्रक्ट हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। वाओ सनसेट, ओके फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही और टाइम भी हो गया घर जाने का, अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से। और होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे और काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी आके। और नेक्स्ट टाइम मैं जल्द ही एक नया वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ,
तो नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब किए हैं और बेल आइकन प्रेस किए हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और ओके दैट्स इट देन, बाय बाय एवरीवन, सी यू सून। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।